चलो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की जब आप बात करोगे, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या है, किस सेक्शन में आ रहा है ये, कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, ये सब बात आप यहां पर क्लियर करोगे। ठीक है, देखो जैसे लिखा है द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन को। जब भी आप बात करोगे प्रॉफिटेबिलिटी की, इसके लिए आप क्या प्रिपेयर करते हो, इसके लिए आप प्रिपेयर करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रिपेयर करोगे ना। और जब भी बात करोगे आप फाइनेंशियल पोजीशन की, ये कौन बताएगा, आता बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान रखोगे तो वही बात ये कह रहा है, स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस हाउ मेनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर आर। ठीक है ना, तो देखोगे इसी बात को जब फाइंड आउट करते हो या फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, देखोगे एज पर सेक्शन 240, ठीक है ना, सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग, ये 240 किसका, द कंपनीज एक्ट 2013 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं, इस बात को आप ध्यान रखो। आपके पेपर में एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ठीक है ना, क्या पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इंक्लूड दी फॉलोइंग, है ना, आपको उसको बोल सकते हैं नंबर से लगाओ, है ना, या 2 3 4 दे देगा, उसमें से आपको चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे सबसे पहली बात तो इसमें क्या आ गया आपका, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना, आपको पता है कि बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां पर देखो एट द एंड ऑफ वर्ड यूज करते हो, एट द एंड ऑफ द डे का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर डे की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही, पर्टिकुलर ईयर से इसका मतलब नहीं होता है ना, ध्यान रखोगे इसका जो मीन है पूरे होल ईयर से क्या नहीं, एक पर्टिकुलर डेट से रहेगा। ठीक है, आई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल, जब भी बात करते हो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल की, ये किसके लिए होता है, पूरे होल ईयर के लिए होगा, इस बात को ध्यान रखोगे। फिर तो दो बात आप देखोगे इसमें, पहले चित्र हो गई बैलेंस शीट और दूसरा क्या हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, तीसरी चीज क्या है इसमें आप देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल, अगर उस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है तो चेंज इन इक्विटी भी बताओगे। चेंज इन इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी की डिफिनीशन मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या कवर है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में जितने भी आपके रिजर्व हैं, जितने भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, बात समझ में आ रही नहीं। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, नोट टू अकाउंट आप देखते थे ना, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें यानी 1 2 3 4 5, पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंज इन इक्विटी। ठीक है ना, स्टेटमेंट जो क्या शो कर रहा है, चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और लास्ट क्या है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट। बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। देखोगे फाइनेंशियल ईयर में यहां पर फाइनेंशियल ईयर को भी डिफाइन किया गया है, पढ़ोगे आप एक बार फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या बोला गया, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी कंपनी आपकी अमलगमेट हो रही है ना, अगर अमलगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, लिक्विडेशन, कुछ भी, जो भी कंपनी है सबको एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, जो भी आपको पढ़ाएगा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रिपेयर कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं। तो देखोगे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्या फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात समझ में आ रहा है आपके, यहां तक कोई प्रॉब्लम बता सकते हो आप। फिर ओनली कंपनी विच इज होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन 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 अगर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी, जानते हो होल्डिंग कौन होता है, सब्सिडरी कौन होता है, जो किसी भी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर परचेस कर लेता है वो होल्डिंग हो जाता है और जो बच गया वो आपका सब्सिडी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होल्डिंग और सब्सिडी का मतलब क्या होता है। अगर होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी चाहे तो इनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की छूट प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे फाइनेंशियल ईयर की तो सबका यूनिफॉर्म होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी को छोड़कर। फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्योंकि देखो जो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी होती है उनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, दोनों का होल्डिंग और सब्सिडी का एक साथ बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, उसमें डिले हो सकता है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, उनको इसके लिए छूट दे सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अब ये सब बात अपने दिमाग में आप बैठाते चलो। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज के पार्ट बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, बैलेंस शीट आपको क्या प्रोवाइड करती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है ना, किसका, स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के। ठीक है, टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ये भी बताता है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है, फिर शैल बी प्रिस्क्राइब फॉर गिवन शेड्यूल 3, फिर ये भी आपको चेक करना है क्या जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 प्रिपेयर किया गया कि नहीं, which is given in Part 1 and prescribed form of preparation of schedule of PL has been given in Part 2। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो शेड्यूल 3, ठीक है, Part 1 और जो प्रिस्क्राइब किया गया है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL। ठीक है ना, Part 1 में आप बात शेड्यूल 3 है, Part 1 में हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की और Part 2 में बात करते हो किसका, स्टेटमेंट ऑफ PL का। ठीक है, तो आपका एमसीक्यूज भी यहां से पूछ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कुछ नोट हैं आप पढ़ेंगे इसको। देखिए क्या लिखा है, जहां भी लिखा होगा बीओडी, बीओडी का मतलब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी। क्या बोला इसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है भाई, कंपनी का जो भी वर्क परफॉर्म करता है, कंपनी डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो कौन होता है आपका, बीओडी। ठीक है, बिफोर द शेयर होल्डर ऑफ देयर अप्रूवल, है ना, शेयर होल्डर के अप्रूवल के पहले एट एवरी एजीएम। कहां पर रिप्रेजेंट करता है इसको, एजीएम, एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो एजीएम होती है उसमें। द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें देखोगे ऑडिटर्स की रिपोर्ट और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। क्यों अटैच कर दिया जाएगा, कि जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी जिनको इंफॉर्मेशन इस तरह की इसके रिगार्डिंग चाहिए वो लोग क्या करें, अपना इसमें चेक कर लें। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले हैं Part 1, ठीक है ना, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, ये आप नोट करेंगे, इसको आप आज ही और आज ही आप इसको लर्न कर लोगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करिए। Part 1 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताया गया है, फटाफट सब लोग क्या करें, नोट डाउन करें, या हम आपको इसको PDF सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, आ जाइए, देखिए, देखोगे Part 1 है, फॉर्मेट किसका है, बैलेंस शीट का। क्या लिखते हो आप, सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, फिर क्या लिखते हो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी होगा आपका। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, पर्टिकुलर नोट नंबर, एक्सप्लेनेटरी नोट है ना, नोट 1 में क्या बताए हो आप, नोट 2 में क्या बताए हो, इस तरह जो भी होगा आप अपना लिखोगे। फिर ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फिर यहां से देखो सबसे पहले क्या दिया गया आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखोगे जब भी आप बात करोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी की, ठीक है, ये देखिए एनालिसिस किया गया इसको आपको यहां। देखेंगे बैलेंस शीट के दो पार्ट, ठीक है ना, बैलेंस शीट का दो पार्ट है, आप यहां से इसको लर्न कर लोगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट के दो पार्ट, पहला पार्ट क्या है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, देखोगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के चार सब हेड है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सब हेड्स। ये क्या है आपका, ठीक है ना, यहां से एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक, सभी लोग ध्यान रखोगे। तो सबसे पहला क्या होता है आपका, जब बैठा करिए आप लोग, थोड़ा एक्टिव बैठा करिए, ऐसा नहीं मतलब कि पहली क्लास के बाद आओ आप लोग एकदम बैठ जाओ, लग रहा है लास्ट क्लास है, ठीक है ना। फिर देखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर तीसरा क्या आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या आपका, तो चार बात आपको याद रहेगी, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, तीसरा क्या आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या आपका, बात समझ में आ रहा है आपके। फिर इधर देखोगे एसेट्स में दो पार्ट है आपका, पहला क्या आपका नॉन करेंट एसेट्स, या इसी को आपने क्या नाम दिया है, फिर दूसरा क्या आपका, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ आप, इसी बात को ऊपर क्या कर दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो चार हेड थे, उस चार हेड के बाद देखो ये, जब भी आप बात करोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या है आपका हेड है, इसके तीन सब हेड हो गए। पहला सब हेड क्या है आपका शेयर कैपिटल, दूसरा सब हेड क्या है आपका, तीसरा सब हेड क्या है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर होल्डर फंड आपका हेड है, उसके तीन सब हेड हो गए, पहला शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल की जब आप बात करोगे इसमें दो शेयर कैपिटल आएंगी, एक इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका, ठीक है ना, दो आ जाएगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा आ जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर, अभी आगे सब लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस में सभी ऑल टाइप्स के रिजर्व आ जाएंगे, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, सब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व। फिर मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये शेयर कैपिटल था, तो यहां पर पूरी शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर ये रिजर्व सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी बात हम लोग यहां पर नोट करेंगे, ठीक है। जब भी आप बात करोगे नोट टू अकाउंट में, तो पहला आपका दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, ठीक है। आप बात करोगे जब शेयर कैपिटल की, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, ऑथराइज कैपिटल, है ना, यहां पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, वैल्यू या प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। फिर ये क्या है आपका इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के लिए आपने इशू कर दिया, आप यहां पर लिखोगे। फिर पब्लिक ने जिसको ले लिया सब्सक्राइब कैपिटल में लिख दोगे आप। फिर जो नहीं लिया है उसको सब्सक्राइब बट नॉट, ठीक है, जिसका पेडअप हो गया उसको पेडअप में, जिस नहीं पेडअप है उसको यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट, सब में लिखते जाएंगे आप, ठीक है, जो अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, इसको और इसको आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, पहले दो को आप ब्लॉक कर दोगे। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना पब्लिक ने लिया है, ठीक है, फिर जितना पेड है, जितना नहीं पेड है, इनका टोटल करेंगे आप। फिर जो टोटल आ जाएगा इसमें से अगर कुछ एरियर का अमाउंट है आप माइनस कर दोगे, ठीक है, ऐड कर दोगे। शेयर फॉर फ्यूचर अगर होगा तो जो अमाउंट होता है फॉर फ्यूचर पर, उसको आप उसमें जाके ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूरा शेयर कैपिटल का कॉलम हो जाएगा। फिर जब हम लोग बात करेंगे आगे, दूसरा हेडिंग हमारा किसका था, सब हेड का, रिजर्व सरप्लस। तो आप इसको नोट टू अकाउंट नंबर 2 में दिखा रहे हो, है ना, आप इसको कहां दिखा रहे हैं, नोट टू अकाउंट नंबर 2 में, ठीक है। यहां पर देखोगे आप, पहले क्या लिखा आपने, कैपिटल रिजर्व, फिर आपने क्या लिख दिया है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। से क्वेश्चन उठा के पूछता है वो, व्हाट इज द यूजेज ऑफ एसपीआर, ठीक है ना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ एसपीआर, सब लोग लिख लो, ठीक है। फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है आपका ये, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व है, फिर अदर रिजर्व, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो नॉन स्पेसिफिक हो। फिर आप इसमें लिखोगे सरप्लस बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड करके कहां पर दिखाने वाले हो, दिखाने वाले उसको रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होता है? लिख लोगे क्वेश्चन आपका व्हाट इज द यूजेज ऑफ एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूजेज क्या है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में है ना 4 नंबर के, है ना सीए इंटर के पेपर में 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, आपके भी पेपर में रहेगा। ठीक है, आते रहे हम लोग, नोट दिया ये सेक्शन 52 बात करता है इसके लिए, इसको आप लिख लो उसी के नीचे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 52 एसपीआर, जितने भी सीएमए या सीए इंटर के बच्चे रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो परचेस कर लेंगे एक स्कैनर। स्कैनर जानते हैं आप लोग? हाँ ठीक है, तो देखोगे यूटिलाइजेशन, क्या यूटिलाइजेशन है यहां पर देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, फॉर ईच विंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, क्या करो इससे यूटिलाइजेशन, क्या पहला बोनस शेयर इशू करने में। दूसरा फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आप क्या करोगे इससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट आप कर रहे हो। फॉर राइटिंग ऑफ इशू एक्सपेंस और अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू। ठीक है ना, देखोगे इशू का मतलब क्या है, चाहे वो शेयर इशू करो आप या इशूज ऑन सिक्योरिटीज के जो करते हैं या अंडरराइटिंग कमीशन जो आप कर रहे हो, इससे क्या करोगे आप राइट ऑफ करोगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है गधों नालायकों। ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करोगे। ठीक है, जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सब आपको राइट ऑफ कर सकते हो इससे। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर या डिबेंचर, है ना, जब आप रिडेम्पशन करते हो प्रीफरेंस शेयर का डिबेंचर का, उस पर जो प्रीमियम पे करते हो वो पैसा कहां से आएगा, इसी पैसे में से। ठीक है, फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68। ठीक है, आप बाय बैक करोगे अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को, तो सब चीजें भी आप यहीं से कवर करोगे। ठीक है, फिर देखिए आप पॉइंट नंबर सी क्या है आपका, पढ़िए इसको आप। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है भाई, ये कोई बताएगा? अ शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है? इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में आप मनी का एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं आपको शेयर वारंट दूं आप हमको पैसा दे सकते हो शेयर। ठीक है, जब शेयर आपका फुल्ली पेड हो जाता है तो शेयर वारंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, या स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखोगे अ शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी। इसको कौन इशू करता है? यहां से एक्सक्यूज बन सकता है, शेयर वारंट कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी। फिर विच गिव द होल्डर द राइट टू एक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, स्पेसिफिक देयर इन एट द लेटर डेट। ठीक है, तो जो क्या करता है अपने होल्डरों को ये राइट एक्वायर करता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्पेसिफिक जो होगा उस पर वो ले सकते हैं बाद के डेट में उनको उसके बदले में। ठीक है ना, फिर ये आपकी 3 हेडिंग हो गई हैं। ठीक है, तो जो 4 हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा है, पहला क्या था शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की आपकी 3 हेडिंग खत्म। फिर दूसरी हेडिंग थी आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट, इसको आप चेक करें। पढ़ी देखेंगे, इफ अ कंपनी हैज रिसीव एप्लीकेशन मनी बट डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सच एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शोज इन फॉलोइंग मैनर। क्या मतलब वो इसका? कंपनी ने पैसा ले लिया, कब पैसा लिया? देखो अ कंपनी हैज रिसीव, है ना, एप्लीकेशन मनी, तुमने शेयर पे शेयर पड़ा होगा, उस पर एप्लीकेशन मनी पहले पे करते हो फिर आपको अलॉटमेंट होता है। तो कंपनी रिसीव कर दिया है, ठीक है, बट डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन अलॉटमेंट कब होगा? बैलेंस शीट डेट के बाद। ठीक है, सच एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शोज इन फॉलोइंग मैनर, तो इसको आप ऐसे शो करते हो। ठीक है, देखो पढ़ो their application money not exceeding the issued capital and to extend not refundable, it is the disclosed under this line. ऐसा पैसा जो एप्लीकेशन पर मिला है वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं है, रिफंड करना नहीं है, तो आप इसको यहाँ शो कर देंगे ऐसे जो भी मन होगा अपना लिखे। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी एक्सटेंड रिफंडेबल, अगर रिफंड करना है ना, और वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट मीट सच अमाउंट शैल बी शोन सेपरेटली अंडर अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो आप शेयर कब इशू कर सकते हो, जब आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो 90%। अगर 90% फुलफिल है तो आपका शेयर अलॉट होगा और आपको अमाउंट रिफंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 90% नहीं अलॉट हो रहा है तो आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। वो रिफंड अमाउंट आप कहाँ शो करोगे? अदर करेंट लायबिलिटी के कॉलम में। बात समझ में आ रहा है? फिर तीसरा नॉन करेंट लायबिलिटी पे आ जाएंगे। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आपके 4 सबहेड हैं। पहला है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा क्या है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये 4 है। कौन कौन सा? पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा क्या है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, तीसरा क्या है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और चौथा क्या है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो नोट में देखेंगे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या है? जो 3 साल से लेके 10 का हो या उससे अधिक का हो। ठीक है ना, लंबे समय की बात करेगा। इसमें आपके बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो आप अमाउंट पे करोगे प्रीमियम, ठीक है, कब पे करोगे? जब आप डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हो। लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे वो बैंक से लिए हो, चाहे वो आप किसी और अदर इंस्टीट्यूशन या पार्टी से लिए हो। फिर एफडी है आपका या पब्लिक डिपॉजिट है ना, अदर लोन एंड एडवांस। ध्यान रखिए आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से जब ये सब क्लियर हो, और अभी हम आपसे पढ़ाने के बाद तुरंत सब चीजें पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अपने दिमाग में बिठाए रहे हैं। ठीक, कुछ लोग बैठ के जो कॉपी में आर्ट बना रहे हैं, अभी बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े हम, पढ़ो। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? क्या है ये आपका? डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इज नोन एज डिफर्ड टैक्स। जैसे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो डेप्रीसिएशन का मेथड जो आप यूज कर लो, बट इनकम टैक्स में केवल आप रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को आप प्रायोरिटी दोगे और कोई मेथड नहीं। अगर पावर जनरेटिंग सेक्टर है तो आप एसएलएम मेथड को प्रायोरिटी दोगे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? नहीं तो ध्यान रखो वहीं पर ये डिफरेंस आ जाएगा। तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस होगा वही क्या है आपका? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में द प्रोविजन विच इज मेड फॉर द बिजनेस एंड क्लेम आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ, है ना। ऐसा कोई भी क्लेम जो 12 महीने के बाद आपका सेटल हो रहा है वही क्या है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या है? बना के रखे हो, है ना। आप पढ़े होंगे 3 चीज, आप पढ़े होंगे रिजर्व, आप पढ़े होंगे प्रोविजन, आप पढ़े होंगे फंड। बताइए रिजर्व क्या होता है? खड़े हो जाइए। सेव करके रिजर्व हो गया, फिर प्रोविजन क्या हो गया? तो रिजर्व क्या फ्यूचर क्या पास्ट के लिए रखा है तुमने? बैठ जाइए आप, एक नंबर के नालायक हैं आप। अरे 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 अरे, कहाँ चले जा रहे हो तुम लोग? देख लो, चैप्टर अगर सोचो तो कुछ नहीं है इसमें, है केवल फॉर्मेट, बट अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ है इसमें। और अगर ये तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आगे की चीज तुम्हारी लीजी हो जाएगी। बैठो, देखो आप बात करोगे प्रॉफिट, इसको सब लोग लिख लीजिए। रिजर्व तो बड़ी समस्या है इसमें, प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं। जब बात करेंगे आप रिजर्व की, तो रिजर्व क्या होता है आपका? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ये। इसको आप किस लिए रखे हो? अननोन लायबिलिटीज। क्यों रखें आप इसको अननोन लायबिलिटी के लिए? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर जब भी आप बात करोगे प्रोविजन का, तो ये आप लोग किसके लिए रखे हैं? नॉन लायबिलिटीज के लिए। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ठीक है, अननोन के लिए रिजर्व। बात समझ में आ रही नहीं? दोबारा ये भूलना नहीं है। फिर तीसरी बात ध्यान रखो, फंड। ये फंड वर्ड वहां पर यूज होता है जहां पर इनकम का जनरेशन हो। ठीक है, इनकम का जनरेशन हो। ठीक है, ध्यान रखो ये रिजर्व था आपका भी। रिजर्व आपने किस लिए बना के रखा था? अननोन लायबिलिटीज के लिए। अब तुमने बिजनेस में पैसा निकाल के रखा है, फालतू में पड़ा हुआ है, इसको उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दो। ठीक है ना, तो जब आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो तो इससे क्या होता है? आपको इनकम जनरेट होने लगती है। ठीक है, तो इसी रिजर्व को जब आप बाहर इन्वेस्ट करके रखते हो, दैट इज नोन एज फंड। बात समझ में आ रही नहीं? आगे बढ़िए। ठीक है भाई, फिर हम लोग आ जाएंगे करेंट लायबिलिटीज पे, पढ़ लो। पढ़ो, करेंट लायबिलिटी में आपके 4 सब हेड हैं, ध्यान रखोगे आप। इसमें पहला है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म पढ़ा था अभी आपने। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाएगा? विथ इन 12 मंथ या 1 ऑपरेटिंग साइकिल की बात करेंगे। फिर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हमको? बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर, जब दोनों को उठा के आप ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाता है आपका? ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अदर करेंट लायबिलिटी है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, देखोगे आप यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ रहा है। क्या लिखा है? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। बैंक ओवरड्राफ्ट है कि नहीं? 72 आवर के लिए होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ध्यान रखोगे। या कैश क्रेडिट है आपका, तो क्या करोगे आप? वापस करोगे ना जब मांगा जाएगा। ध्यान रखो क्या ये आपका शॉर्ट टर्म बढ़ेगी। फिर लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, फिर डिपॉजिट्स है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है, ये ध्यान रखोगे आप। अदर लोन एंड एडवांस है। ठीक है, फिर आप बात करोगे ट्रेड पेबल की। ठीक है ना, ट्रेड पेबल में अभी मैंने आपको बताया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, यहां से एमसीक्यूज मिल जाएगा आपको। फिर अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है देखोगे आप। इसमें इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अदर पेबल। ठीक है, ये सब आ जाएंगे शॉर्ट टर्म है। ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या अदर प्रोविजन, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है आपके लायबिलिटी साइड का ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। ये पूरा लायबिलिटी साइड था आपका। आंख ना खराब हो, पढ़ रहे हो ना, पढ़ो, अदरवाइज निकल जाओ फिर क्लास से बाहर, ठीक है। एसेट पढ़ो, अभी पूछ रहा हूं सबसे, ये बताओ एसेट्स में क्या है आपका? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में क्या है? फिक्स एसेट्स। फिक्स में क्या है आपका? टेंजिबल, इनटेंजिबल। ये तो आपको याद रहता है। देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो जो आपकी टेंजिबल एसेट्स है वो वर्क इन प्रोग्रेस में अभी पूरी तरह नहीं तैयार हुई है, बट तैयार हो गई। वो उसको आप किसमें लिखते हो? कैपिटल WIP। WIP का मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जब इनटेंजिबल एसेट पूरी डेवलप नहीं हो पाई तो उसको क्या लिखते हो? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिक्स एसेट में चार सब हेड हैं आपके, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल, फिर तीसरा कैपिटल WIP, चौथा क्या? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कोई दिक्कत आपको इसमें? फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है आपका, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स है आपकी, फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, फिर आपका अदर नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है। ये पांच बातें आपकी पहले सब हेड में, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब हेड का, ये सब हेड है, ठीक। फिर करेंट एसेट्स में आप आओगे, इसके छह हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड बैंक बोल सकते हो आप इसको, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अदर करेंट एसेट, ठीक है। इन सब का टोटल, दोनों का टोटल एसेट बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आएंगे हम लोग थोड़ा नीचे, ये फिक्स एसेट्स के पहले दो पार्ट, ये टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट या प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, पिक्चर्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, दूध का बिजनेस है आपका, फल का बिजनेस है, तो फल तो क्या देगा, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या? मुर्गी उर्गी हो गए आपके, मुर्गी अंडा, अंडे का बिजनेस है, मुर्गी तो क्या एसेट है कि नहीं, तो लाइव स्टॉक में आपके सब आ जाएंगे, अदर जो भी होंगी। इनटेंजिबल है आपका गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट, है ना, फॉर्मूला, मॉड्यूल्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। फिर देखोगे आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है आपका एक, इसमें आपके दो रहेंगे, एक ट्रेड और एक अदर, ठीक है। ट्रेड का मतलब जिसको आप बेच सकते हो, अदर का मतलब जिसको आप बेचोगे नहीं। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट से आपकी एक है ना, इसमें क्या है? टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम, जो दोनों डिफरेंस होगा यही आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है, उधर हम लोग पढ़ लिए थे। अदर नॉन करेंट एसेट्स, इधर क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, अदर में इंश्योरेंस क्लेम या अनअमॉर्टाइज्ड एक्सपेंस। करंट एसेट में आपको ये सब पता ही है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग का केवल इतना बात है, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया कि बेटा बैलेंस शीट है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में दो साइड है, पहला आपका क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा क्या है आपका? एसेट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के चार सब हेड हो गए आपके, शेयर होल्डर फंड, सप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, और एसेट्स के दो हो गए आपके, नॉन करेंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट, ठीक है। इन सबको आपको क्लियरली क्या कर दिया गया है? डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए, अब वन बाय वन सब लोग खड़े होंगे और पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हुई।